हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जी, जी लफ्ज आपने बोला है जी साहिल, अब साल टेक्सचर का है ना जी सर, साल टेक्सचर चलेंगे साहिल, साहिल टी ए एक्स टी और साहिल टेक्सचर। टेक्सचर का लफ्ज आपके लिए मेरे ख्याल के मुताबिक गैर मरूफ है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने एफ एस सी या मैट्रिक में कहीं पे साइल टेक्सचर का लफ्ज पढ़ा हुआ है और आप इसे कुछ हद तक वाकिफ है या नहीं वाकिफ है, ये आपने बताया वाकिफ है कि नहीं, पहले से वाकिफ है कि नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अगला पॉइंट है कि चूंकि प्रैक्टिकल में जो तो प्रैक्टिकल थ्योरी की बुक में कोई दिया होता है इस रिलेटेड से वो मैं सारा डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं डिस्कस होगी कापियों में लिखा होता है, कापियाँ आपके पास मौजूद हैं। क्या आपने साइल टेक्सचर वाला एक्सपेरिमेंट टीचर ने आपको ये करवा दिया नहीं करवा दिया इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड? जी सर करवा दिया, करवा दिया सर जी। अगर करवा दिया तो फिर तो आपसे बात होना चाहिए था, अगर प्रैक्टिकल ये वाला करवा दिया हुआ ना, मैं इसकी सेक्शन दे दी हुई है समझा दिया, तो फिर तो आपको इसके बारे में सारी की सारी मालूम मुकम्मल मौजूद होनी चाहिए थी आपके पास, लेकिन जब मैंने सवाल पूछा तो क्लास में से कोई जवाब नहीं आया। चले बहरहाल मैं इसकी वजाहत करने लगा। सॉइल टेक्सचर का ये मतलब है कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, मिट्टी के जो क्योंकि मैंने कहा था कमीशन पहले आनी चाहिए थी, कमीशन तो सर्विस में नहीं दी हुई है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और जो चीज़ें जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे वो कौन कौन सी होती हैं, उनकी आपस में रेशियो क्या है। मैंने रेशियो का लफ्ज़ बोला है, और कि जब हम रेशियो कहते हैं तो रेशियो दो चीज़ों में होती है, आर ए टी आई ओ रेशियो। अब चूंकि मिट्टी में चीज़ें दो से ज़्यादा होती हैं, हमें रेशियो की बजाय सब के दरमियान में अगर हम रेशियो को निकालते हैं उसको प्रोपोर्शन का नाम देते हैं, प्रोपोर्शन। क्या आप दोनों लफ्जों में रेशियो और प्रोपोर्शन के नामों से वाकफ है पहले से कि नहीं वाकफ है, ये आपने बताना है। एनी हो, अगर सिर्फ दो चीज़ें हों तो उनमें जो आपस में ताल्लुक होता है वो रेशियो कहलाता है, अगर तीन हो जाए चार हो जाए ज़्यादा हो जाए तो फिर जो उनके आपस में रेशियो होगी वो रेशियो की बजाय प्रोपोर्शन कहलाती है। मिट्टी में कौन से पार्टिकल्स हैं, उनकी आपस में प्रोपोर्शंस कितनी परसेंट भी मिल दे सकते हैं कि वो कितने परसेंट में मौजूद है, इसको कैसे मैयर करते हैं। मैं पहले एक रफ एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको जो आप घर में कर सकते हैं, और फिर वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो कि अगर आपके टीचर ने इंस्ट्रक्शन खरीदी होगी, बॉयकॉस हाइड्रोमीटर, क्या ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आपके इसमें पार्टिकल को, बॉयकॉस हाइड्रोमीटर टीचर ने जब आपको इंस्ट्रक्शन दी है तो क्या ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि नहीं, बॉयकॉस हाइड्रोमीटर? नो सर जी। और कुछ जी अंग्रेजी में कहा है? नहीं जी। कोई और स्टूडेंट जिसने हमको लेक्चर अटेंड किया हो बताओ कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, खाली हाइड्रोमीटर यूज किया है, साइल हाइड्रोमीटर? नो जी सर, ये यूज किया था सॉइल हाइड्रोमीटर। याद रखिए कि मार्केट में जो सॉइल हाइड्रोमीटर अवेलेबल है, जिस साइंटिस्ट ने बनाया था ये उसी के नाम से इसको यूज किया जाता है। जो सॉइल हाइड्रोमीटर का जो कमर्शियल नेम चल रहा है वो बॉयकॉस हाइड्रोमीटर है। चले अगला पॉइंट है, सॉइल हाइड्रोमीटर किस टेम्परेचर पे कैलिब्रेट किया गया हुआ पार्टिकल, तो आप कर चुके हैं बिकॉल आपके क्लासेस वाले है, बॉयकॉस सॉइल हाइड्रोमीटर को किस टेम्परेचर पे उसकी कैलिब्रेशन की गई हुई? चलें अगला सवाल है, क्योंकि मिट्टी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ साइज के मुख्तलिफ वजन के पार्टिकल हो सकते हैं, मैं कुछ लफ्ज बोल रहा हूँ, देखते हैं कि आप इसके बारे में मुझे क्या बताते हैं। 5 5 5 मैंने तीन बार बोला है, मैंने क्या बोला है, क्यों बोला है, ये किस चीज के लिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ 5 इन सॉइल टेक्सचर? क्ले सैंड और लूम? जो मैंने कहा है, मैंने 5, ये 5 1 2 3 4 वाला 5 है, 5 दूसरी बार फिर 5 तीसरी बार फिर 5, मैंने तीन बार 5 पे एम्फेसिस किया है, क्यों, इसका क्या ताल्लुक है सॉइल टेक्सचर के साथ? एक्सपेरिमेंट शुद्ध आप लोग प्रैक्टिकल ऑलरेडी कर चुके हैं तो देखना चाहिए कि आपने क्या कुछ कहाँ तक पढ़ लिया, किस लेवल पर पढ़ लिया।
चलें एक बार जो मैंने देखना था मैंने देख लिया कि आप क्या कुछ पढ़ चुके हो। मैं आ रहा हूँ, मैं सिंपल, क्योंकि आप लोग अभी इस लेवल पे नहीं है कि मैं आपको एडवांस लेवल पे सवाल पूछूँ, मुझे आपसे सिंपल चीज़ों को डिस्कस करना है। ये एक शीशे का ग्लास ले लें, आप सबके घर में शीशे के बर्तन मौजूद हैं, और ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, कहीं से मिट्टी उठाएं, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, या भी मैं एक बुक मिट्टी ले लें, इसको शीशे वाले बर्तन में डाल के ये मिट्टी डाल दें, इसमें इसमें पानी डाल दें, और पानी डाल के इसको एक स्टिक के साथ अच्छी तरह से हिला दें, स्टिक लेके इसको बहुत अच्छी तरह से हिलाएं, स्टीरिंग स्टिर कर देना, केमिस्ट्री का लफ्ज़ है चूँकि स्टीरिंग से वाकई है, इसको अच्छी तरह से हिला, जब इसको हिलाएंगे तो मिट्टी का एक सस्पेंशन बन जाए, सस्पेंशन बन गया। आप जैसे ही इसको हिलाना छोड़ेंगे, स्टिक कैसे आप मूव कर रहे हैं, जैसे इसको हिलाना छोड़ेंगे, और चूंकि शीशा है आप अगर गौर करें देखें या बाद में इसको स्टडी करें, सबसे पहले अगर मिट्टी में कोई कंकरियाँ हैं वो सबसे नीचे बैठ जाएंगे, कंकरियाँ सबसे पहले नीचे बैठ जाएंगे। मैंने कंकरी का इस्तेमाल किया है, पेबल्स ग्रेवल कुछ भी हो सकता है, दे टेक ओनली 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर अंदर हर ये सेकेंड है जी, ये 5 लिखता है मैंने इसलिए गड़बड़ हो गया, इट इज और सही चलता नहीं है जी, क्या किया जाओ, 5 सेकेंड लिखा है जहाँ पे मैंने, ये लिखा नहीं गया प्रॉपर, 5 सेकेंड के अंदर ग्रेवल कंकरियाँ पेबल जी फॉर ग्रेवल नीचे बैठ जाती है। उसके बाद है जी 5 मिनट, 5 m, 5 मिनट के अंदर अंदर सैंड इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, ये सैंड है, कंकरियों को सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं और सैंड को बैठने में 5 मिनट लगते हैं, सैंड पे बैठ गए। अब आपने इसको रखे रखना है, इट विल टेक 5 आवर्स, 5 घंटे लगेंगे सिल्ट भी नीचे बैठ, नीचे कंकरियाँ पत्तियाँ हैं, उसके ऊपर सैंड है और उसके ऊपर सिल्ट आके बैठते हैं। और अब चाहे आप इसको 5 दिन तक रखे रखें, क्ले फिर भी नीचे नहीं बैठेगी, क्ले नीचे नहीं बैठेगी, आप उसको 5 दिन ही क्लेमा रखे रखें। ये था जी वो 5 5 5, 5 सेकेंड, 5 मिनट और 5 घंटे, ये वो फिगर है। अगर जरखेज मिट्टी हो तो उसमें कंकरियाँ कम होती हैं, ये फ्रैक्शन माइनस हो जाएगी। अब अगर आप ग्लास की जगह पे सिलेंडर ले लें, बेजर सिलेंडर, तो उसके ऊपर चूंकि निशान लगे होते हैं, अगर आपने एक्सपेरिमेंट सिलेंडर में किया है तो उसमें देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मिट्टी में कितनी सैंड है और कितनी सिल्ट है, तो ये सैंड निकली है इसमें से और ये सिल्ट है, और जो पानी है ऊपर उसके अंदर क्ले मौजूद होगी, उसको भी स्टडी करने का और देखें उसको बाहर भी करें। ये मैंने आपको एक रफ एक्सपेरिमेंट बताया है जिससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि मिट्टी में क्या कुछ होता है, उसमें अगर कंपनियाँ हैं अंदाजा कितनी, इनका वजन आप कर सकते हैं, इसको भी सेपरेट करके वजन कर सकते हैं, या जस्ट इसको वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम के बेस पर इसको कर सकते हैं। ये है जी रफ एस्टिमेट साइल टेक्सचर को मालूम करने का। अब इसमें जो चीज़ें आपके सामने आई हैं बेसिक, मैं वापस उसी टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ जो हमारा मेन टॉपिक था, टॉपिक यही था कि इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं वो हो सकती हैं ग्रेवल, ग्रेवल और लफ्ज़ है पेबल्स, ये कंकरियों के लिए हैं, ये दोनों लफ्ज़ कंकरियों के लिए हैं, मिट्टी में कंकरियाँ हो सकती हैं। एक नंबर तो सैंड होती है, सैंड की किस्म में मोटी रेत हो सकती है, बारीक रेत होती है, उसको हम सैंड ही कहेंगे। जो मिट्टी में सिल्ट होती है, सिल्ट को भल कहते हैं उर्दू में, भल पंजाबी में, पंजाबी में उसको कस्सू भी कहते हैं, और इसमें क्ले होती है, क्ले को चिकनी मिट्टी का नाम दिया जाता है, जो सबसे बारीक पार्टिकल है, और ये कोलाइडल पार्टिकल है। ये है जी मिट्टी की कंपोजिशन, उसके अंदर होता क्या कुछ है, किस किस्म के पार्टिकल्स हैं और ये कितने कितने कैसे हैं, इसी चीज़ की स्टडी, और इसी को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक टेरेफिस है सॉइल टेक्सचर। अगर एक मिट्टी में कंकरियाँ पत्थरियाँ ज़्यादा हैं तो वो मिट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, पहाड़ी इलाकों की मिट्टी ऐसी होती है, फिर सुन लीजिए, पहाड़ी इलाकों की मिट्टी में ग्रेवल और पेबल ज़्यादा होती हैं, वो अच्छी मिट्टी नहीं होती, उसमें काश्तकारी प्रॉपर नहीं हो सकती। अगर ये कम हो, उसके बाद है जिस मिट्टी में सैंड ज़्यादा हो, रेत ज़्यादा हो, वो रेतली मिट्टी कहलाएगी, और रेतली मिट्टी सहराओं में होती है, रेतली मिट्टी सहरा डेजर्ट, आप समझते हैं डेजर्ट क्या होते हैं, डेजर्ट में सहरा में सिर्फ रेत ही रेत होती है, और वो मिट्टी रेतली है, वहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़ें ग्रो हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं। सिल्ट दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी है, अगर खाली सिल्ट भी हो तो हर तरह की चीज़ इसमें ग्रो हो सकती है, और क्ले चिकनी मिट्टी है, उर्दू में चिकनी मिट्टी कहते हैं उसको, ये भी बहुत ज़रखेज़ होती है, लेकिन अगर ये अकेली हो तो ये नुकसानदेह है, चूँकि
ये जम जाती है, ढेले बन जाते हैं और वो मिट्टी अच्छी नहीं लगती। बेस्ट मिट्टी वो होगी जिसमें सैंड सिल्ट क्ले, एस्पर सैंड, सेकंड एस्पर सिल्ट और थर्ड सी क्ले, अगर तीनों से मिक्स हो तो उस मिट्टी को लोम कहते हैं, एल ओ ए एम, लोम। इसको मैरा कह सकते हैं पंजाबी में, उर्दू में इसको मैरा का नाम दिया जाता है। बहुत अच्छी वाली जमीन, इसमें सारा कुछ मौजूद हो, इसमें दुनिया की हर तरह की फसल ग्रो की जा सकती है। अच्छा, अब जो कुछ मैंने ये बयान किया लिखा हुआ है, मैं उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने ग्रेवर का जिक्र किया, अगर 5 मिलीमीटर या इससे बड़ा साइज हो तो वो कंकरियाँ हैं। अगर बड़े साइज की कंकरियाँ हैं, अगर छोटी कंकरियाँ हैं तो वो 2 से 5 मिलीमीटर की रेंज में हैं। अगर 0.2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक साइज है तो ये मोटी वाली रेत कहलाती है। अगर 0.02 से 0.2 मिलीमीटर तक तो वो बारीक वाली रेत कहलाती है। रेत बारीक और मोटी दो तरह। सिल्ट का साइज 0.002 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर तक होते हैं और किले का साइज 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। ये सब मिलीमीटर में इसलिए दिए गए हैं कि मार्केट में छलनियाँ अवेलेबल हैं। मार्केट का मतलब ये नहीं कि आप कल को मदीना जनरल स्टोर पर जा पहुँचे, साइंटिफिक स्टोर से ऐसी छलनियाँ मिल जाती हैं जिनसे आप मिट्टी को छान के, बराबर कीजिए मैंने क्या कहा है, ऐसी छलनियाँ अवेलेबल हैं, छलनी सीव को कहते हैं, जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। मिट्टी आप सबसे पहले छलनी लेंगे जो ग्रेवल के लिए है, वो मोटी ग्रेवल में डाल देंगे, अगली बार नक्स छलनी से आप फाइन ग्रेवल सेपरेट करेंगे और ऐसे जो सबसे आखिर में आपके पास चीज़ बचेगी बिल्कुल बारीक वाली जो होगी वो आपकी क्ले होगी, उसके बहुत बारीक बारीक स्लॉट होते हैं क्ले को सेपरेट करने। बहरहाल ये हो गया जी वो मुख्तलिफ साइज के पार्टिकल्स। इसमें याद रखिएगा कि जो सबसे छोटी है जो क्ले है ये कोलाइडल डायमेंशन की होती है, पानी में जब ये हल्की जाती है तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना। बेसिक्स तो चीज़ें हमारी मुकम्मल होगी। आई एम श्योर आप लोगों के पास आपकी बुक में आए आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक में एक इस तरह की डायग्राम बनी हुई होगी और इस डायग्राम के साथ जो नाम लिखा होगा वो इसी के हवाले से होगा, साइड टेक्सचर के हवाले से। इसको साइड टेक्सचर ट्राइंगल का नाम दिया जाता है जी। ये आपके पास बुक में मौजूद है कि नहीं है? सॉइल टेक्सचर जी सर मौजूद है जी। अब इसमें जो चीज़ें हैं उनके अपने गौर करना है। आमतौर पर मिट्टी में सैंड सबसे ज़्यादा होती है, आमतौर पर मेजॉरिटी जगहों पे सैंड नंबर वन पे होती है। सैंड को बेस पे शो किया जाता है, सिल्ट को एक साइड पे शो किया जाता है और क्ले को इस साइड पे शो किया जाता है। अब यहाँ पे क्ले हम शुरू करेंगे जीरो से, ये जीरो है, आप जो बढ़ते जाएंगे तो ये निशान लगे होंगे और अगर 100% हो तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही जो सिल्ट है वो यहाँ से शुरू होगी जीरो और यहाँ तक जाएंगे तो ये 100% हो जाएगी। और लास्ट वन जो सेंट है वो यहाँ भी 0% है और इधर से इधर पहुँचते हुए ये 100% हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे करके निशाने पर लगा रहा हूँ, आपको दरमियान में करके कहीं पे क्ले लोम का लफ्ज नज़र आ रहा होगा, क्ले लोम। ऐसे ही अगर यहाँ पे है तो क्ले लिखा हुआ मिलेगा, अगर यहाँ पे करके है तो सिर्फ लोम होगी, अगर प्योर यहाँ पे है नीचे है तो ये खाली साउंड होगी। लोम का लफ्ज आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, चेक कीजिएगा आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर जो डिजाइन बना हुआ है उसमें बहुत जगहों पे लोम, मिसाल के तौर पे एक जगह पे लफ्ज है जी सैंडी क्ले लोम, इसका लफ्ज सैंड भी है, क्ले भी है और लोम भी है, सैंड और क्ले ज्यादा है और सिल्ट उसमें कम है। ऐसे अगर किसी का भी लिखा हुआ है सिल्टी क्ले लोम, उसमें सिल्ट और क्ले ज्यादा है और सैंड क्ले कम है, सिल्ट लोम लिखा है उसमें सिल्ट ज्यादा है, सैंड है, क्ले उसमें कम होता है। पर ये है जी साइड टेक्सचर डायग्राम। जब आपने मेजरमेंट करनी है, चूंकि वो प्रैक्टिकल के लिहाज से आपका जो हाइड्रोमीटर होता है सॉइल हाइड्रोमीटर जिसका एक्चुअल नेम है, ये आपने अपना सॉल्यूशन जो तैयार किया उसको इसके अंदर डाल दिया, उसको स्टेयर करते रहे, इसका टेम्परेचर भी नोट किया और इसमें आपने अपना सॉइल हाइड्रोमीटर जो कि बाइकॉस हाइड्रोमीटर के नाम से अवेलेबल है वो डाल दें, उसके ऊपर ऐसे निशान लगे होते हैं जहाँ पे पानी की सरफेस होगी उसकी रीडिंग चेक करेंगे, उसकी रीडिंग को कैलकुलेट करके 19 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोमीटर जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट हुआ होता है, रीडिंग की आपको करेक्शन करनी पड़ेगी और उन रीडिंग को 5 मिनट के बाद आप जो कैलकुलेट देते हैं वो सेंट के लिए होती है, जो सेकेंड रीडिंग लेके 5 घंटे बाद वो सिल्ट के लिए होती है। तकरीबन 6 घंटे चाहिए एक्सपेरिमेंट को मुकम्मल करने के लिए। प्रैक्टिकल के लिहाज से पेपर में तो ये पूरा नहीं हो सकता लेकिन आपको इसका प्रोसीजर प्रॉपर आना चाहिए।
क्योंकि 6 घंटे का प्रैक्टिकल है, 6 घंटे में जो आपके इसके एवेल्यूएशन कम्प्लीट होती हैं और इस डायग्राम के वहाँ से वो वैल्यू जो इसमें आएंगी प्रैक्टिकली उसमें फिट करके आप बता सकते हैं कि किस किस्म की मिट्टी है और मिट्टी का जरूरत नहीं पड़ती है। दोबारा सुन लीजिएगा, जहाँ भी रेस ज़्यादा हो ऐसी मिट्टी बिल्कुल घूम रही है, उसमें ढेले नहीं होते, ये वजह है कि इसमें दरख्त ग्रो नहीं हो सकते। जहाँ पे सिल्ट हो वो बेहतरीन मिट्टी है, जहाँ तीनों मिक्स हो वो बेहतरीन मिट्टी है। अगर खाली क्ले हो, प्योर क्ले हो, खाली चिकनी मिट्टी हो, इसके ढेले इसके लम्ब्स बन जाते हैं और जब लम्ब्स बने हुए हों उसमें पानी जो है स्टोर नहीं हो सकता और पौधों को पानी मिलेगा तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकती। ये बहुत खास अहमियत का हामिल है। जी बहरहाल ये हमारा टॉपिक है जी, कम्प्लीट हो गया है। बेसिकली याद रखिएगा लोम, जो मैं पहले कैच कर रहा हूँ कि लोम के अंदर चूंकि तीन से मौजूद हैं, रेत की वजह से वो पानी को ज़्यादा अपने अंदर गुजरने का रास्ता देता है पानी को हवा को। जहाँ पे किले है थोड़ी बहुत अच्छी मौजूद है वो उसके छोटे डेले बनाएगी, डेले बनेंगे लेकिन छोटे डेले बनेंगे, दरम्यान में गैस मौजूद होंगे और जितनी ज़्यादा सिल्ट होगी वो उतनी ज़्यादा बेहतर से बेहतर। अगर तीनों चीज़ें बराबर मुकदार में हैं दो वेश हैं तब भी वो मिट्टी प्रारंभ होती है, ठीक होती है और फसलों के लिहाज से बहुत पौधों के लिए सॉइल टेक्सचर की खास अहमियत। नंबर एक, जैसे मैं भी कह चुका हूँ कि अगर मिट्टी में क्ले ज़्यादा है तो उसमें रूट कंटेंट निकलेंगे, अगर सैंड ज़्यादा है तो उसमें जड़ें कैसे ग्रो होंगी, चूँकि दरख्त खड़ा ही नहीं है उसको जमने की जगह रखेंगे। ये हो गया जी कि रूट पेनिट्रेशन के लिए अगर सिल्ट है तो बेस्ट है या लोम है तो बेस्ट है, अगर क्ले है तो वो पेनिट्रेटिंग कर सकती हैं, अगर सैंड है तो वो ग्रो ही नहीं कर सकती। दूसरा हेडिंग इसमें होगा जी वाटर मूवमेंट के लिहाज से, अगर सैंड है तो सैंड में से ये सैंड है, सैंड के ऊपर पानी डाले तो पानी फौरन नीचे चला जाएगा, अगर क्ले है तो उसको पानी को अपने अंदर होल्ड कर लेंगे आगे नहीं जाएंगे, अगर मिक्सचर है तो दरमियाना और अच्छी और उसको पैदा हो जाएगी, ये रेट ऑफ वाटर मूवमेंट है। इसका तीसरा हिस्सा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अगर क्ले है तो वो पानी को ज़्यादा होल्ड कर सकती है, सिल्ट क्ले दोनों होल्ड करती हैं, सैंड वाटर को होल्ड नहीं करती, सैंड में से पानी चला जाता है। इस पानी के जाने के लिए एक और लफ्ज दिया है सेपरेट हेडिंग में सीखा है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, इनफिल्ट्रेशन ये फिल्ट्रेशन का ऑपोजिट है, सैंड में से पानी चूँकि गुजर जाता है निकल जाता है ये होल्ड नहीं कर सकती, यही वजह है क्रेजली मिट्टी में जितना मर्जी पानी डालना वो पानी या तो नीचे चला जाएगा और या उड़ जाएगा गर्मी की वजह से, क्योंकि सैंड जहाँ की है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, इसकी खामी है जी सैंड पर। ये हो गया जी सैंड के वाले से, और जहाँ पर प्योर क्ले होती है क्ले पानी को इस तरह से जकड़ लेती है पकड़ लेती है कि पानी मूव नहीं कर सकता, पौधों को पानी मिलेगा ही नहीं, पौधों के लिए बहुत मुश्किल जगह पानी की जरूरत है। इस वजह से ये दोनों अकेले के लिए लास्ट, अगर दोनों को सिर्फ अगर आप खाली क्ले और सैंड को भी इकट्ठा कर दें तो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ सिल्ट डाल देंगे तो वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये है जी वो सारी की सारी खूसियात जिसकी वजह से ये टॉपिक बहुत खास मिलता हमला है पौधों के लिहाज से। फर्टिलिटी एक बार फिर, जहाँ पे मेरा है यानी तीनों चीज़ें मिक्स हैं लोगों में वो ज़्यादा फर्टाइल है, अगर खाली सैंड के लिए का मिक्सर भी है वो भी फर्टाइल है, लेकिन अगर अकेली मिट्टी हो अकेली सैंड या अकेली क्ले तो उसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है, उसमें आपको फर्टिलाइजर ऐड करना। जो सॉइल स्ट्रक्चर चूँकि एक सेपरेट क्वेश्चन है जो कि डिटेलमेंट होगा, मैंने यहाँ पर ढेलों का इस्तेमाल किया, अगर रेत ज़्यादा होगा तो मिट्टी भुरभुरी होगी, अगर क्ले ज़्यादा है तो मिट्टी में ढेले ज़्यादा होंगे, इसका ताल्लुक सैंड स्ट्रक्चर के साथ है जो कि बजाते खुद लॉन्ग टर्म्स हैं। अब ऐसे ही एयर का जिक्र, जहाँ पे सैंड ज़्यादा होगी उस मिट्टी में ज़्यादा एयर होगी, अगर क्ले ज़्यादा है तो उसमें एयर कम होगी, मिक्सर है तो एयर बड़ी मुनासिब होगी और पौधे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेंगे। ये है जी ऑल अबाउट, इसके साथ ही हमारा टॉपिक जो था मेन टॉपिक था हमारा जो सॉइल टेक्सचर और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। सॉइल टेक्सचर डायग्राम जो आपके सामने बनी हुई है ये आपने खुद अपने बुक से चेक करके इसमें ऐड करनी है, और याद रखिए कि ये थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी शामिल है, मैंने उसकी कोशिश आपको बता दी है जिनसे आप पहले से प्रॉपर वर्क कर। अब ये बताइए जो कि टाइम तो खत्म हो रहा है हमारा, लेकिन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा इसके बाद आगे सॉइल टेक्सचर के बाद हमारा अगला क्वेश्चन। सर अगला जो है वो पीएच है,
इसमें।